कशिश, मैं कायशा बोलता हूँ कभी कभी, हाँ। केकशा बोलता हूँ, कशिश मेरे दिमाग में नहीं आता तो यही सुनना बाकी था कि दोस्तों के नाम भूल जाओ। क्या हुआ? रो तो मत ऐसे, रो मत ऐसे, रो मत, कोई बात नहीं, पानी लाइयो भाई, पानी ला। तो गाइस दिन की शुरुआत पहले अपने दोस्तों से करते हैं, क्योंकि यार अलग ही वाइब आती है यार ये चीज करके, क्योंकि तुम्हें पता है हर हर व्लॉग की शुरुआत ऐसी होती है तो अच्छी शुरुआत रहती है। बाकी तो बाइक निकालते हैं पार्किंग से, फिर मैं अपना इंट्रो करता हूँ। सो है गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल, दिस इज शाफ। सो आज का व्लॉग होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो पहली बात तो यार बिल्कुल भी धूप नहीं है, देख सकते हो आप दूर दूर तक, लेकिन यार मेरे को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, आप देख सकते हो शर्ट की हालत क्या हो गई। तो आज मेरी मतलब फर्स्ट मीट होने वाली है उस लड़की से जिसको मैंने लिफ्ट दी थी, तो उसके कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आए थे, उसका बीच में बर्थडे भी था, उसने इन्वाइट करा था कि ऐसे आप आ सकते हो, आपने मेरी हेल्प करी थी, लेकिन यार मेरे पास जब टाइम नहीं था तो मैंने आज सोचा यार आज मैं फ्री हूँ तो व्लॉग बना लेता हूँ उसके साथ, फर्स्ट मीट का व्लॉग बनाने वाला हूँ। तो बाकी तो अपनी बीस्ट वो देख सकते हो, वो लगी हुई और समीर है मेरे साथ, तो जल्दी जल्दी से चलते हैं यार, देखते हैं कैसे रहता है। बाइक तो बहुत ज़्यादा यार गंदी हो रही है, तो वो देखेगी इतनी ज़्यादा गंदी तो मैं जाते ही पार्किंग में लगा दूंगा। तो V3S मॉल जा रहा हूँ लक्ष्मी नगर, तो देखते हैं कैसे रहता है। बाकी तो तुम एक बार चेक करो यार, क्या पसीना आ रहा है भाई, हालत ख़राब हो ही पड़ी है, मतलब गर्मी भी नहीं है लेकिन गर्मी लग भी रही है मेरे को, मतलब अलग ही सीन होते हैं मेरे साथ। तो अभी एल एल से बाइक को निकालते हैं फिर चलते हैं। सो फाइनली गाइस निकल चुके हैं, तो आप नए हो तो चैनल पे आपको राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। बाकी तो देखो यार कितनी ज्यादा कीचड़ हो रही है, तो समीर तो पीछे से गीला होने वाला है, मेरे को पता है समीर नहीं होगा मेरा बैग होगा, क्योंकि इसके पीछे मेरा बैग है और पीछे मरघाट नहीं है, तो सोच सकते हो पूरी मतलब कीचड़ वगैरह इसके ऊपर ही आनी है। अगर ये मेरा बैग भी नहीं वेयर करा हुआ होता तो इसकी भाई शर्ट हो जानी थी भाई ब्लैक जाते जाते। लड़की बहुत बुला रही थी, तो मैंने सोचा यार चलते हैं मिलते हैं, क्या सीन रहता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ब्लॉग भी ले आऊंगा। बाकी तो सामने रेड लाइट है, तो नियमों का पालन करते हुए अपनी बाइक को रोक देते हैं। देख लो भाई देख लो, मैं ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करता हूँ, अगर कोई ट्रैफिक वाला मेरी वीडियो देख रहा है और चालान भेज देता हूँ भाई तुम घर पे आ जाते हो पुलिस को लेके, तो देखो मैं नियम भी फॉलो करता हूँ, ऐसी नहीं है बात। देखो अब ग्रीन हो सब निकले तो मैं भी निकलता हूँ। ओ यार एक बार रोड चेक करो तुम, रोड कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है। आज सुबह बारिश पड़ी थी तो मुझे तो लगा था यार व्लॉग कैंसिल हो जाएगा, रात उससे लड़की से बात हुई थी तो वो कह रही थी कल आ जाओ, वैसे हमारा प्लान सैटरडे से बनना था लेकिन आज है भाई ट्यूसडे, तो ट्यूसडे जाके मैं फ्री हुआ हूँ। सामने इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यार, आराम आराम से चलेंगे क्योंकि बारिश का मौसम है और ट्रैफिक भी है, तो कभी भी स्लिप हो सकते हैं भाई टायर अगर ज़्यादा ब्रेकिंग कर दी। आज तो मैं वाइट पहनने की सोच रहा था, मैं वाइट शर्ट वाइट पैंट कुछ करके मतलब लुकिंग सोची थी एक, लेकिन अगर मैं वो पहन लेता तो लुकिंग ही रह जाती मेरी बस, और वो ब्लैक। सो गाइस प्लान में थोड़ा चेंजेस आ गए, हम जा रहे हैं आयरन ब्रिज की तरफ से लक्ष्मी नगर, क्योंकि इधर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, तो ट्रैफिक वालों से मैंने पूछा था, वो कह रहे हैं भाई कम से कम तुम एक घंटा फंसोगे ट्रैफिक में जब जाके निकलोगे, तो मैंने कहा इससे अच्छा, ओ यार फक ये भी बंद कर रखा है। पानी भरा हुआ यार, क्या सीन हो रहा है, मतलब सारे रूट ही बंद कर रखे हैं पानी की वजह से, अब क्या करें, फिर दोबारा से उधर ही जाना पड़ेगा मेरे को। हाँ और कोई सा रूट नहीं है क्या लक्ष्मी नगर का, यू टर्न लेके ले लें लक्ष्मी नगर, आगे पानी भर रहा है क्या, तो यार आगे पानी भर रहा है, हर जगह पानी भरा पड़ा दिल्ली में। ओ भाई खुल गया, हाँ देखो अंकल जी हमारा साथ दे रहे हैं, ये चाचा ओ भाई यार अभी वो भाई गिर जाते मेरी वजह से, पानी के बीच में रखूंगे। सो फाइनली गाइस अभी ट्रैफिक से निकले हैं और हमें हो गया भाई आधा एक घंटा फंस गए हम, तो और रूट तो बनते लेकिन क्या कर सकते था, उससे कह रखा था वो भी रेडी बैठी है लड़की, तो उसे तो ऐसे मैं कह नहीं सकता था भाई मैं नहीं आ रहा, तो वो रेडी बैठी है, वो निकल भी गई होगी घर से अपने। बाकी तो उसके V3S मॉल पास ही है घर के, लेकिन यार ऐसे मैं घर नहीं भेज सकता था, तो मैंने कहा यार कितना भी ट्रैफिक हो थोड़ा इंतजार कर लेंगे, तो आधा एक घंटा इंतजार करना पड़ा। उसके बीच में कॉल भी आई थी कि कहाँ पर रह गए, मैंने कहा यार ट्रैफिक हो रहा तुम वीडियो कॉल करके देख लो, उसने कहा चलो चलो मैं समझ सकती हूँ वो पानी भर रहा है ना हर जगह, तो सबको ही पता है दिल्ली के अंदर पानी भरने की वजह से कैसी यार दिक्कत आ रही है। मैंने कॉल कर दी है, हेलो आ जाओ V3S मॉल पर, तो यार लड़की तो पहले से ही पहुंची पड़ी है V3S मॉल, मतलब आधे एक घंटे पहले से ही पहुंची पड़ी है, सोच सकते हो इतना इंतजार कर रही है, वाह यार इतना भी तो कोई इंतजार करता है। सो फाइनली गाइस V3S के बाहर आ चुके हैं, मतलब पार्किंग के अंदर है अभी, तो उसका इंतजार कर रहा है, वो कह रही है मैंने तो तुम्हें देख लिया मैं आ रही हूँ, मैंने कहा ठीक है आ जाओ, वो कुछ ले रही है अपना सामान वगैरह, मैंने तो देखा नहीं उसे अभी,
तो मैं तो भूल भी गया थोड़ा बहुत यार, बाकी देखते हैं वो आ जाएगी तो पहचान ही लूंगा मैं, वो मेरे पास ही आएगी। सो गाइस वो देख सकते हो आप सामने से आ रही है, तो भाई बड़ी आराम आराम से आ रही है ये लड़की, हाय कर रही है हाय। ओ भाई यार फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देखो कितनी आराम आराम से आ रही है, वो खुश हो गई। हेलो पहचान लिया सर? नहीं शाफेस नहीं नहीं मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आज से पहले मैंने आपको देखा ही नहीं है यूट्यूब पे क्या इंस्टा पे क्या, मैंने किस पे देखा ही नहीं आपको आज से पहले। आपने आईडी चेक कर ली थी ना वो पिकिंग करने के बाद, तुमने लिफ्ट लेने के बाद सारी? हाँ, सब कुछ देख चुकी, देख ली थी तुम्हारी वाली वीडियो भी डाली थी मैंने जो लिफ्ट ले थी तुमने। हाँ देखी थी मैंने, मेरे पास फ्रेंड भी आ रही थी वो इतनी ट्रेंड में चल रही थी, बस पूछो मत। हाँ 5 लाख व्यूज गए, 5 लाख जनों ने देखा तुम्हें। अब इतना भी ध्यान है, मैंने 2 लाख देखा था लास्ट इस टाइम 500 के। हाँ परफेक्ट। अच्छा और बताओ सब ठीक? हाँ सब ठीक, तुम बताओ तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कहाँ का प्लान है? V3S मॉल चलते हैं। हाँ यही मॉल मिला था पूरे इलाके में, यही मॉल मिला था आपके घर के पास, आओ तो चलते हैं पार्किंग में बाइक लगा दूंगा। तो फाइनली गाइस अभी मैं पहले कुछ खाने आ गया हूँ, क्योंकि मैं घर से कुछ भी नहीं खा गया था तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो ये बैठिए इसके ये इस लड़की का जो भी नाम है मैं हमेशा कन्फ्यूज हो जाता हूँ, क्या नाम है? कशिश, मैं कायशा बोलता हूँ कभी कभी, के कशा बोलता हूँ, कशिश मेरे दिमाग में नहीं आता। तो यही सुनना बाकी था कि दोस्तों के नाम भूल जाओ। तो इस लड़की ने मेरे को अपने बर्थडे में भी इनवाइट करा था, लेकिन मैं उस टाइम पाया नहीं पाया था, वही जो बोला उनका बर्थडे पड़ा था, क्या कैसा कैसे आ सकता था, वही बात है। मैं कह रहा था ना आपसे, कुछ ना कुछ काम पड़ गया था मेरे को, तो यही काम पड़ गया था, चांद रात के दिन कौन कहाँ पर जा सकता है, तो वही सीन था बस। तो मेरी बात बात हुई थी इसकी ब्लॉग के थ्रू, इसने नंबर दे के गई थी, फिर इसने मेरे को वो करा था, फिर इसने आईडी भी चेक करी। तो यार एक और चीज़ बताता हूँ, तो ये ट्रीट दे रही है मेरे को लड़की फर्स्ट टाइम मिले, जबकि फर्स्ट टाइम में देखो मतलब ऐसा मैंने सुना था लड़कियों से नहीं दिलवाने चाहिए ना पैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो फ्रेंड्स में चलता है, तो ये ट्रीट दे रही है, क्योंकि इसके ऊपर 3 ट्रीट आ रही है मेरी, मुझे याद नहीं है 2 की। तो बड़े वाली का तो भाई होता है फ्रेंड्स में हो जाता है, अपना भी पैदा हो जाती है, तो अभी जाके बंदी उठ के नहीं जा रही यार, ट्रीट क्या देगी, चलो मैं ही दे देता हूँ, देखो भाई बैठी हुई है। तो यार ये लड़की पता नहीं क्यों शर्मा रही है, खाओ ना खाओ ना, क्या हुआ? हाँ, पहले आप खाओ, खिला दे भाई तू खिला दे मेरे को, तो जरा मैं खिला नहीं सकता किसी लड़की को, एज अ सिस्टर खिला सकता हूँ, तो खाना है तो बता। हाँ तो क्या हुआ, खा लूंगी। हाँ तो खाओ ना। चलो भाई बहुत कहने के बाद लेडीज फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई तू भी खा ले, अब तेरे से भी कहना पड़ेगा, चलो सेकंड लेडीज फर्स्ट। सो गाइस अभी निकल रहे हैं, बस हमारी फर्स्ट मीट थी, कैसा लगा तुम्हें? आज ये लड़की कह रही थी मैं सॉरी यार तैयार हो के नहीं आ पाई, क्योंकि हमारे तरफ बिल्कुल पानी की, तुम्हें पता है पानी की बहुत ज़्यादा, फिर मैं नहीं करा रेडी होने का, तो मैंने कहा चल ऐसे चल। अच्छा नेक्स्ट टाइम पूरा हीरोइन बन के आऊंगा। ओह हीरोइन बन के आएगी भाई नेक्स्ट टाइम, चलो अच्छी बात है। सो गाइस अभी आइसक्रीम ले ली हमने, तो देख सकते हो कितना ज़्यादा सेक्सी वेदर हो गया, तो सेक्सी वेदर में यार आइसक्रीम नहीं खाई तो क्या ही खाया, तो वो लड़की ला रही है हमारे लिए आइसक्रीम, देख सकते हो फर्स्ट बीट में कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आइसक्रीम साइड में रखियो समीर, क्या हुआ पेट में दर्द हो रहा है, क्या हुआ बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्यों कुछ हुआ है, प्रॉब्लम है कुछ तुम्हें? एक्सक्यूज क्या हुआ, साइड में उठा के रख, आओ साइड में आओ, साइड में उठो साइड में, क्या हुआ रो क्यों रहे हो, आओ आओ साइड में उठो, क्या हो रहा बताओ, हुआ क्या है भाई, पानी ले गया यार, कुछ हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, रो तो मत ऐसे, रो मत ऐसे, रो मत कोई बात नहीं, पानी लाइए भाई पानी ला, कुछ हुआ है तो यार, लगी तो नहीं गिर के, पेट में क्यों दर्द हो रहा है आपके, हैं गर्ल्स प्रॉब्लम पीरियड्स, तो यार पीरियड्स हो गए, पानी लिया यार, चॉकलेट भी, चॉकलेट खाते हैं ना उसमें क्या होता है, कुछ दर्द हो रहा है पेट में, हाँ लो पानी पियो,
साइड मोड़ के बैठो, आओ साइड मोड़ो, बैठो बैठो बैठो, आओ इधर आओ। गर्ल्स प्रॉब्लम, पियो पियो वाटर पियो। और क्या ला के दें घर पे, छुटवा दे यार इन्हें, ओए घर पे छुटवा देते हैं, ऑटो वगैरह करवा के, ऑटो वगैरह करवा दें आपको, पार्किंग तक ऑटो ले आएंगे ना, यहाँ पे पास पड़ेगी पार्किंग। अब ठीक है, कुछ और ला के दें, तू ना आइसक्रीम उठा के खा ली क्या? मेरे को लगा यार दर्द हो रहा है बेचारी लड़की के। ठीक हो? ठीक हो यार? ज़्यादा पे समझ सकता हूँ यार, बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन हाँ ऑटो करवा देते हैं अभी, थोड़ा सही हो? नहीं ठीक हो अब तो? हाँ ऑटो करवा देते हैं। चलो हाँ ऑटो कर लो यार, चले आओ ऑटो करवा देते हैं। तो अभी गाइस इनका वो हो गई थी गर्ल्स प्रॉब्लम थोड़ी यार, तो मतलब ऑटो वगैरह करवा देते हैं। ठीक है अब हंस रही है गाइस, क्या हुआ क्या हुआ? एक हंसी की बात बताऊं? हाँ ये तो प्रैंक कर रही है। क्या प्रैंक था ये? ओह यार फक, मैं घर से सोच के आई थी आज ऐसे खौफनाक तरीके से डरा दूंगी कि अगली बंदी किसी लड़की से मिलने का मन नहीं करेगा फेस का। तो नॉर्मली यार, नॉर्मली करा है। तो यार इस लड़की ने प्रैंक कर दिया, तो अभी समीर पानी की पेमेंट करने गया था, जल्दी जल्दी में ले आया था। कैसा लगा मेरा मजाक? बढ़िया बढ़िया था। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो अभी गाइस वेदर देख सकते हो तुम, कितना ज़्यादा प्यारा हो गया उस लड़की ने, मेरे ऊपर प्रैंक कर दिया उस लड़की ने, क्या इसी लड़की ने। तो तुम्हारा भी चैनल किस नाम से, लोग पूछ रहे थे मेरे से कमेंट में पिछली वीडियो। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में बाकी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाके सब्सक्राइब कर लेना इसे भी। तो अपनी बीस्ट वो खड़ी है सामने, जल्दी से लेके निकलते हैं। सो गाइस बैरिकेडिंग लग रही है, तो आराम आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने सोचा नहीं था यार वो लड़की फर्स्ट मेट में मेरे ऊपर प्रैंक कर देगी, उसने चैनल वगैरह देखा होगा मेरा, मतलब मैं प्रैंक भी करता हूँ, तो उसने उल्टा मतलब मेरे ऊपर ही कर दिया। तो अच्छा लगा जो भी था यार उसका प्रैंक, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता हुआ देखा था। एक बार मेरे लड़की मिली थी रोड पे चलती हुई, जिसके हो गए थे पीरियड्स, तो इसने भी ऐसे करा, मतलब दर्द हो रहा है मेरे, तो हमने पानी वानी दिया यार, चॉकलेट भी ला रहा था मैं, लेकिन फिर इसने बता दिया कि ऐसे ऐसे ये मैं तुम्हारे ऊपर प्रैंक कर रही थी। मैंने कहा यार मतलब हम औरों के ऊपर प्रैंक करते हैं, इसने हमारे ऊपर ही कर दिया। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।